दोस्तों जैसे ही आप बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया ऐप में इस तरीके से इसे खोलते हैं और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये देखो मैप डाउनलोड होने लगता है, क्या होने लगता है, रिसोर्स यहाँ पे डाउनलोड होने लगता है और आपका डाटा बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दोस्तों हम किस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं इस तरीके से, तो इस प्रॉब्लम को दोस्तों आप किस तरीके से फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर तक देखना होगा और आप सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लोगे अपने स्मार्टफोन में। जैसा कि दोस्तों आप यहां देख पा रहे हैं इस तरीके से ये देखो मैप डाउनलोड हो रहा है और यहां पे डाटा है जो हमारा बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है, डाटा बहुत जल्दी खर्च हो रहा है। तो हम इस वीडियो में आपको पक्का इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं, बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा और सिंपल तरीके से आप इसे बंद कर लोगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना है, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में चला जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये देखो डाउनलोड हो रहा है, इस पर क्लिक कि हम दिखा देते हैं, ये देखो हमने बहुत सारा यहाँ पे दिखा दिया है आपको, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। तो इसे हम बिल्कुल डाउनलोडिंग बंद करेंगे। अब वाईफाई से जब कनेक्ट करते हैं तब ये दिक्कत होती है, जैसे हमने वाईफाई से यहाँ कनेक्ट किया तो यहाँ पे ये डाउनलोड होने लगा और मेरा डाटा पता भी नहीं चला कितनी जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको बिल्कुल यहाँ पे राइट हैंड साइड कोने पे जस्ट नीचे, बिल्कुल नीचे जहाँ पे एक वो बना होगा आइकन सा, ठीक है, जैसे कि ये देखो एक आइकन बना है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये देखो एक आइकन बना है, इस पर क्लिक करना है। अगर सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाना है, अब इसे स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, ठीक है, सेटिंग को स्क्रॉल करना है, नीचे मिलेगा आपको बिल्कुल डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये देखो डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड सेटिंग पे क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे चिन्ह आपका लगा होगा, ठीक है, क्या लगा होगा यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से चिन्ह लगा है तो आपके डाउनलोड होंगे, अगर ये चिन्ह नहीं लगा है तो डाउनलोड नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे हटाना है, क्या करना है, इसे हटाना है, इसे हटा के दोस्तों डिलीट जब पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से आ जाएगा, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं, चिन्ह लगा के इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से आप डिलीट कर देना होगा आपको, ठीक है। बेसिकली यहाँ से मैंने प्रॉब्लम जो थी आपकी फिक्स कर दी है, ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर कोई भी आपकी डाउनलोडिंग नहीं होगी ऑटोमेटिक, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, यहाँ पर कोई भी डाउनलोडिंग आपको नहीं होगी। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैंने यहाँ पर कंप्लीटली आपको दिखा दिया है और बता भी दिया है, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका था और आप उसे कर भी पाए होंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।